हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा कि पृथ्वी को सूरज में कैसे बदले। इसको बदलने के लिए मेरे पास बहुत सारे विपन है और ये पृथ्वी है। इसको मैं अपने विपन से इसको सूरज में बदलने की कोशिश करूंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले विपन छोड़ दिया है और ये सेकेंड विपन छोड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पहुँचा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी में तीन तीन होल हो गए हैं, देख सकते हैं आप। इतना खतरनाक विपन है कि आधी पृथ्वी को उसने जला के राख कर दिया है। अब इसको बदलने के लिए मेरे पास बहुत सारे विपन हैं, सभी का एक एक करके यूज़ करके देखते हैं। चलो, और इसी के साथ साथ मैं सेकेंड विपन का यूज़ करता हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा ही डैमेज, बहुत कम डैमेज दिया है पहले के मुकाबले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रखा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये पृथ्वी को जला जला रहा है। ये विपन बहुत ही खतरनाक है। ओह माय गॉड, ये इतना खतरनाक विपन जिसने पृथ्वी के चित्रे उड़ा दिए, मैं तो देख के ही डर गया। और आगे का विपन भी यूज़ करके देखते हैं। और ये इस विपन का यूज़ करा है मैंने, अरे बाप रे, ये इतना खतरनाक, ये तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज देगा लगता है। ये पूरा ही, बाप रे, इसने तो पूरा ही खा गया है। ओ चलो, अपन नेक्स्ट वीपन का यूज़ करते हैं। अब कुछ ही हिस्सा बचा है पृथ्वी का जिसे लाल करना है, और इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं कि ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक है, जो पृथ्वी को चुन चुन करके मार रहा है। और इसी के साथ साथ अपन अगला वीपन का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इस वीपन में कितनी ताकत है। जैसे ही हमने इसका यूज़ किया, ये क्या, ये तो नॉर्मल सही था, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, मज़ा आया देख के। और आगे चलते हैं, बाकी धीरे धीरे करके हम सभी वीपन का यूज़ करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने, ओ भाई साहब, इस वीपन का यूज़ किया तो उसने पृथ्वी के आर पार होल कर दिया, बहुत ही खतरनाक होल। ओ माय गॉड, ये अब तक का सबसे खतरनाक वीपन लगा जिसने पूरी पृथ्वी के आर पार होल कर दिया है। ऐसा वीपन अभी तक यूज़ नहीं किया था। अब देखते हैं आगे, और हम इसके साथ एक रेजर लाइट जैसा कर यूज़ करेंगे। ये देखो, आप देख सकते हैं इस रेजर लाइट का यूज़ करके हम जितने बचे हुए हिस्से को जलाने की कोशिश करेंगे। इधर के हिस्से को जलाते हैं और देखते हैं कि सूरज में बदलता है कि नहीं। बाकी अभी कुछ कुछ हिस्से बाकी है, अभी हमारे पास और भी वेपन है। देखो, चांद को मैंने मारा तो चांद पूरा लाल हो गया, उसने चांद को एक ही बार में लाल कर दिया। चलो इसी को देखते हैं, तो अपन और नेक्स्ट वीपन को ट्राई करते हैं। ये वाला वीपन कैसा देखते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ यूज़ करके देखते हैं अपन। यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे खाली हिस्सा बचा है, और यहाँ छोड़ के पीछे चले गए ताकि वो बच सके। और बाकी वापस मैंने इसी का यूज़ किया है, और ये एक तरह का गेम है, आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, मैंने कम से कम सूरज जैसा लग तो रहा है, लेकिन अभी सूरज में बदला नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें कुछ हिस्से बाकी है। इसको भी ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करके, आप वीडियो में बने रहना। और मैंने इस वीपन का यूज़ किया है, तो देख सकते कि आप, ओ इसने इस छोटे से हिस्से को तबाह कर दिया है, मानते हैं इसके। अब अगले विपन की बारी है, तो इस विपन का यूज़ करके, ओ ये तो एक चांद है, एक चांद पृथ्वी से टकराएगा तो क्या हाल होगा देखते हैं। ओ भाई साहब, ये दूसरा चांद टकराता है तो देखते क्या होता है। वो पूरा आधा अंदर से अंदर ही खोखला कर दिया। ओ खतरनाक,
खतरनाक। एक और चांद का यूज़ करके देखते हैं कि और अब कैसा होता है। तो कुछ बहुत ज़्यादा ही डैमेज देता है कभी चांद पृथ्वी चांद से टकराएगी तो, क्योंकि पृथ्वी और चांद टकराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है होगा। आगे चल के देखते हैं, इस वीपन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा था, इसका यूज़ किया तो अभी ऐसा कुछ लग तो रहा नहीं है कि कुछ हुआ है। हाँ, मैंने इसी के साथ बहुत सारे वीपन का यूज़ किया है। ये खतरनाक वीपन है जो शायद भीषण ऊर्जा उत्पन्न करेगा। शायद ये सूरज में इसको बदल सकता है और शायद इसने बदल दिया है। आप भी देख सकते हैं कि इस सूरज देखते हैं कि ये और कितनी भीषण ऊर्जा का अपन प्रॉपर पूरा सूरज को बना लिए इससे। अभी देखो ये पूरा सूरज बन गया इससे। अभी भी कुछ कुछ हिस्से बाकी है, अभी भी उस वीपन का यूज़ हो रहा है। और ये आखिरी का इस थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, लेकिन पूरा सूरज में बदल चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय बाय।